हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास टेन का चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे राजकीय मुद्रा। ठीक है, राजकीय मुद्रा का मतलब किसी भी नंबर को जो है न्यूमरल में किस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, राजकीय मुद्रा यही है। तो इसमें हम लोग जानते हैं बच्चों कि कोई भी नंबर 10 डिजिट से मिलकर के बनता है। कोई भी नंबर किससे मिलकर के बनता है? 10 डिजिट से। ठीक है, यहाँ पर वी में यूज आर 10 डिजिट, यूज आर 10 डिजिट टू राइट to write all numerals, all numerals मतलब सभी संख्याओं को, कोई भी नंबर बनाने के लिए हमको जो है 10 डिजिट की जरूरत होती है। ठीक है, वो 10 डिजिट क्या क्या है यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, एज यू नो या देखते हैं 20 डिजिट आर क्या क्या है, वो 1 पहले 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, यही जो है 10 डिजिट है जिससे मिलकर के सभी नंबर जो है बनते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर इन्हीं 10 डिजिटों से मिलकर ही बना होता है। ठीक है, और उसके बाद इन राइटिंग नंबर यूजिंग द डिजिट द कांसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू हेल्पर, और कोई भी न्यूमरल लिखने के लिए इन डिजिट का यूज करते हैं और उसमें हमको जो है प्लेस वैल्यू की सहायता लेनी पड़ती है, हेल्प लेना पड़ता है। जैसे हम यहाँ नंबर क्रिएट करेंगे बच्चों, यहाँ पर न्यूमरल में लिखेंगे कोई भी नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल पहला देखते हैं यहाँ पर, जैसे राइट सेवन न्यूमरल, राइट सेवन या फिर कोई भी लिखते हैं आप नंबर एट न्यूमरल एन यू एम आर। ठीक है, निकाल जो राइट सिक्स मतलब सिक्स को हमको इन न्यूमरल न्यूमरल में लिखना है, अंकों में लिखना है। ये सिक्स वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आपको न्यूमरल में लिखना है। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, सिक्स में क्या होता है यहाँ पर आप देखिए बच्चों, हियर सिक्स में होता है, सिक्स में आपका होता है सिक्स वन, क्या होता है सिक्स वन। ठीक है, इसलिए इसको हम जो है न्यूमरल में कर सकेंगे। सो राइट इसको आप क्या करेंगे, We write six in numeral, six in numeral as
यानी कि बेटा यहां पर 6 यहां पर 6 हो जाएगा आपका 1 प्लेस इसलिए इसको हम कहते हैं भूमिका केवल इस तरीके से लिखा जाएगा बात बात कर लीजिए लिखा है वी मेक यू पुट आप टेक लीजिए हम लोग जो है टेक टिकट का यूज करते हैं बनाने के लिए क्या बनाने के लिए टू राइट आप रूलर सभी रूलर मतलब सभी संख्याओं को लिखने के लिए हम 10 टिकट का यूज करते हैं वो 10 टिकट हमारे कौन कौन से हैं 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 8 एंड 9 यही 10 टिकट से सभी संख्याएं बनती है सभी नंबर बनते हैं ठीक है मान लीजिए हमको फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि हमको राइट करना है 6 को न्यूमरल में 6 को हमको न्यूमरल में राइट करना है ठीक है तो यहां आप देखेंगे हियर 6 मींस 6 1 ठीक है यहां पर 6 का मतलब क्या है 6 का मतलब है 6 1 ठीक है 1 का मतलब इकाई 6 इकाई ठीक है और उसके बाद इसलिए हम क्या करेंगे राइट थिंग इन न्यूमरल इसलिए 6 को हम न्यूमरल में लिखेंगे किस तरीके से ऐसे ठीक है 6 1 के प्लेस पर 6 को कहां लिखेंगे बच्चों 1 के प्लेस पर लिखेंगे केवल और 1 के प्लेस पर लिखेंगे तो 1 के प्लेस में केवल एक ही डिजिट होता है जिसमें 7 आप वहां पर राइट करेंगे सेम इसी तरीके से बच्चों अगर 2 डिजिट का हमको न्यूमरल लिखना है नंबर को न्यूमरल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं ठीक है मान लीजिए एग्जांपल यहां से लिख रहे हैं बेटा ठीक है देखिए एग्जांपल आप देखिए यहां पर यहां हम कर देंगे मान लेते हैं बस तो इससे थोड़ा सा चेंज होगा ठीक है और उसके बाद आपको 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ जाएगा ठीक है एग्जांपल नंबर सेकंड में मान लेते हैं राइट 12 यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे टोटल में क्या रहेगा यहाँ से जो है 12 12 मीन क्या होता है 12 मीन होता है यहाँ पर आपका 1 8 होता है उसको वो यानी 1 आपका 8 8 हो जाएगा एंड 1 8 हो गया आपका एंड 2 जो हुआ TW42 21 यहाँ पर 41 मतलब कि राइट 12 इन न्यूमरल 12 को हमको न्यूमरल में लिखना है तो यहाँ पर 12 का मतलब है कि 1 जो है इसमें 12 में जो 1 होता है वो 10 के डिजिट पर होगा एंड 2 1 के डिजिट पर होगा ठीक है तो आपको क्लियर समझना है उसके बाद तो इसलिए इसको हम किस तरीके से लिखेंगे ये या तो वी राइट वी Right, 12 in numeral, and अब इसको किस तरीके से आप लिखेंगे जो आपका 2 होगा ये हो जाएगा आपका 1 2
वन ले, ठीक है। तो नंबर आपका क्रिएट कैसे होगा, इसको आप लिखेंगे वन और इस तरीके से आपका ये नंबर बनेगा, तो ये ठीक है। तो एक टू डिजिट का नंबर था आपने देखा, इसमें वन और टू का यूज हुआ, वन और टू का, ठीक है। और वन और टू को हम किस तरीके से व्यवस्थित किया है, प्लेस वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। प्लेस वैल्यू के हिसाब से इसको आप जो है इसको व्यवस्थित किया गया है कि वन का प्लेस कहाँ होगा, टू का प्लेस कहाँ होगा। वेट में आप जानते हैं कि वन एक का डिजिट होता है और टू वन का डिजिट होता है, इसलिए ट्वेल्व को हम कहाँ लिखेंगे, वन ट्वेल्व में वन को टेन की डिजिट पर लिखेंगे और टू को वन के डिजिट पर लिखेंगे। तो इस तरीके से ट्वेल्व वन और टू लिखेंगे तो ये आपका ट्वेल्व बन जाएगा। आइए हम जो थर्ड डिजिट का नंबर देखते हैं, अब हम चलते हैं थर्ड डिजिट के नंबर पे, ठीक है। राइट, जैसे मान लीजिए फोर हंड्रेड, फोर हंड्रेड फिफ्टी, ठीक है, या फिफ्टी एस आई एस टी डबल टी एन, ठीक है, ये नंबर है हमारा। तो इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से आपको लिखना है, हियर हियर, यहां पर देखिए बच्चों, फोर हंड्रेड फिफ्टी, फोर हंड्रेड सिक्सटी, फोर हंड्रेड फिफ्टी मीन होता है आपका, ये जो फोर हो जाएगा आपका, फोर कहा होगा हंड्रेड के प्लेस पर, फोर हंड्रेड एस यू एन डी आर यू एस, फोर हंड्रेड, उसके बाद सिक्सटीन में आपका आ जाएगा वन वन टेन एंड सिक्स, एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, सिक्स वन, ठीक है। इसलिए इसको हम राइट कैसे करेंगे ना, यहाँ देखिए, सो इसको नंबर भी आप लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखते हैं, वन वन कहाँ होगा, ये फोर यहाँ पर लिखेंगे, फोर लिखा, ठीक है। हंड्रेड का प्लेस वाला टाइम लिखेंगे यहाँ फोर, उसके बाद टेन के प्लेस पर वन है आपका वन, उसके बाद वन के प्लेस पर है फिफ्टी, इस तरीके से नंबर आप बना लेंगे, ठीक है। ये आपका न्यूमेरल में नंबर बनेगा। इसी तरीके से हम जो है नंबर को क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं, लिखते हैं। आइए बता ऐसे जीरो सेल में आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ऐसे जीरो सेल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है आपका, तो आप समझिए यहाँ पर, व्हाट डिजिट आर यू, व्हाट डिजिट आर
for writing the following number, the following number, following number in numeral, in numeral. लिखा हुआ है एक्सटी ई आई जी आर टी डबल ई एम एक्सटी एक्सटी के लिए यहाँ पर बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है एक्सटी और यहाँ बॉक्स है और यहाँ लिखा हुआ है वन ठीक है तो यहाँ बॉक्स में आपको भरना है कि एक्सटी में वन का क्या है और टेस्ट का डिजिट क्या है तो 18 में आप जानते हैं बच्चों 1 टेस्ट होता है और 8 1 होता है तो ये आपको फिल करना है यहाँ पर और उसके बाद इस नंबर को आपको यहाँ पर राइट भी करना है यहाँ से लिखा क्या है यहाँ अलग से बॉक्स बनाएंगे और इस नंबर को आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है बेटा सेम दूसरे में आपको लगाना है यहाँ तक आपकी बुक में दिया है ठीक है नंबर को जो है नंबरल में आप यहाँ पर लिख देंगे ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे टू में है बेटा 33 टी एल आई आर वाई 30 33 लिखा हुआ है 33 को आप कैसे लिखेंगे यहाँ भी बात बना हुआ है उसी तरीके से सेम का और उसके बाद यहाँ पर वन लिखेंगे और यहाँ पर इसको न्यूमेरल ये बात इस तरीके से बना हुआ है आप देखिए बेटा 33 में जो है 3 टेंस होता है और 3 वन नहीं होता है 3 टेंस 3 वन इस तरीके से इसके नंबर कैसे क्रिएट होगा कैसे हम राइट करेंगे नंबर को 33 को 33 मतलब 1 का टेंस और 10 का टेंस दोनों जो है दोनों प्लेस पर क्रिएट होगा ठीक है बेटा अब हम देखते हैं बेटा का नंबर देखिए नंबर आपको दिया गया है मान लीजिए सिक्स क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं इसका 376 लिखा हुआ है तो इसके लिए बॉक्स इस तरह से तैयार करेंगे देखिए 100 का ये 100 का बात है 60 लिख रहे हैं फिर उसके बाद ये 10 का बात है फिर उसके बाद जो छोड़े हैं आपका 1 का बात है ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको नंबर के लिए अपने से बनाना है ठीक है बेटा ये 60 लिखा है 100 ये 10 और ये 1 क्यों क्योंकि यहाँ जो है 3 डिजिट का नंबर है 3 डिजिट के नंबर में 100 दिया जाता है अभी आप ऊपर देखे थे 2 डिजिट का नंबर था उसमें 100 का प्लेस नहीं था इसलिए 100 इसमें नहीं लिया गया था लेकिन यहाँ 3 डिजिट का नंबर था 100 10 और 1 दिया 1 और 100 ये पूरे जो है 3 डिजिट का नंबर है तो आप देखेंगे 300 लिखा हुआ है तो
100 के प्लेस पर क्या होगा सी, ठीक है। और उसके बाद 76 में आपका 7 जो है होता है 10 के प्लेस पर और 6 होता है 1 के प्लेस पर। 6 कहां होता है 1 के प्लेस पर, 7 कहां होगा 8 के प्लेस पर। इस तरीके से नंबर क्रिएट होगा आपका, उसको राइट करेंगे 376, ठीक है। किस तरीके से हमको वर्ड में नंबर दिया रहेगा तो उसको प्लेस वैल्यू का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से उसको वहां पर ठीक करेंगे, उसके बाद उस नंबर को आप जो है न्यूमेरल में यहां पर राइट करेंगे, ठीक है। आपने देखा तो कि कोई भी नंबर को न्यूमेरल में राइट करने के लिए टोटल जो है 10 डिजिट की जरूरत होती है। वो 10 डिजिट क्या कहते हैं, 0 था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, इन्हीं जो है 10 डिजिट से लेकर के सभी नंबर क्रिएट हो रहे हैं और उसको क्रिएट करने के लिए एक वैल्यू का हेल्पर लिया जा रहा है, ठीक है। एक वैल्यू का हेल्प लेकर के ही उस नंबर को हम राइट कर रहे हैं। तो आशा है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे की ओर सेल्फ है आपका, यहाँ देखेंगे, ठीक है। इसमें टोटल जो है 8 क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, 8 क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, ठीक है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हमने साल करा दिया है। शेष क्वेश्चन आप जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट कर लेंगे बेटा। उसके बाद जो है इस तरीके का क्वेश्चन अपने से लेकर के आप नंबर को राइट करेंगे रफली, ठीक है, इससे आप जो है और ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है, कैमलेटिव रिविजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।